दर्शक को आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूं अश्विनी शर्मा। इस वक्त हम उधमपुर के डीसी ऑफिस में हैं और यहां पे आज जो है डीडीसी इलेक्शन की अगर बात की जाए तो जो वाइस चेयरमैन है और चेयरमैन की पोस्ट के लिए आज यहां पे मत डाले गए और वहां पे वाइस चेयरमैन और चेयरमैन जो है डिक्लेयर किए गए हैं। आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं तो आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लालचंद जी से जो डीडीसी चेयरमैन जो यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो आइए उनसे बात करते हैं। लालचंद, सबसे पहले आपको बधाई है कि आप जो है आज डीडीसी चेयरमैन बने हैं। आपका डेवलपमेंट के लिए किस तरह का मुद्दा रहेगा, किस तरह से जो है डेवलपमेंट होगा? आप डेवलपमेंट का काम अभी जोरों पे है। जब से मैंने पहले कहा था हमारी गवर्नमेंट बनी 14 के बाद हर जगह रोड का काम लगा, कनेक्टिविटी चल रही है। हमारे यहाँ ग्रास रूट से लेके प्रधानमंत्री तक हमारी पार्टी हमारे लोग दिन रात लगे हुए हैं, तभी तो देश में बीजेपी का डंका बोल रहे हैं। अगर हम डेवलपमेंट पे नहीं होते, लोगों के बीच नहीं होते, तो आज पूरी दुनिया में हमारा नाम है। तो सर डंका तो बोल रहा है, लेकिन अभी भी अगर उधमपुर में बात करें तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो ग्राउंड लेवल पे है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात करें, किसी भी तरह की जो है काफ़ी ज़्यादा अभी भी है। तो आप किस तरह के आपके किस तरह से आप डेवलपमेंट करवाएंगे कि वाकई ये चीज़ होगा या सिर्फ वही होगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का हर जगह पे डंका है? आप कैसे कहते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है लेकिन ग्राउंड लेवल पे आज भी बहुत सी कमी है, बहुत सी कमी है। देखिए ना, तभी तो ये जो हमारे डेवलपमेंट के मुद्दे पे हमने जवाब लगाया, हम काम करेंगे। तो ये लालचंद जी थे जो डीडीसी चेयरमैन, तो अब हम बात करेंगे वाइस चेयरमैन जूही जी जो है वाइस चेयरमैन के लिए यहाँ से चुनी गई हैं, तो बात करते हैं। आपको यहाँ से चुने गए हैं डीडीसी की तरफ से वाइस चेयरमैन, तो आप एक वुमेन है, किस तरह की आप काम करेंगी और क्या आपका तरीका है? मैंने काफ़ी बार पूछ लिया है वुमेंस के बारे में, वुमेंस के लिए तो मैंने काम करना है, बाकी सबके लिए भी करना है। वुमेन को आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार सेंटर जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी महिलाओं को आगे बढ़ा रही है। जहाँ से कि मैं खून से खड़ी थी वहाँ पे भी महिलाओं को रिजर्वेशन का मौका मिला, और यहाँ भी आज आपने देखा यहाँ तो कोई वुमेन रिजर्वेशन नहीं थी, लेकिन सभी जितने भी मेम्बर्स हैं और पार्टी ने भी हमें इस लायक समझा और आगे हमें बढ़ने का मौका दिया, और आज मैं यहाँ वाइस पर्सन के पद पर नियुक्त हुई हूँ। तो मेरी यही कोशिश रहेगी, खासकर मेरे भी सभी मेम्बरान की यही कोशिश रहेगी, जैसे कि सेंटर ने तो बहुत सारी स्कीम्स निकाली हुई है, मैं भी पीछे ये गई थी बेटी बचाओ के अभियान में मुझे बुलाया गया था, वहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियों को मशीनें बांटी गई। तो जो भी उनमें टैलेंट होता है, स्टडीज़ तो होंगी, एजुकेशन तो होगा, उनको मिलेगा, लेकिन साथ साथ उनके जो भी स्किल्स हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी, जो भी उनके टैलेंट हैं वो बाहर आए, और वो मतलब कि हम उनकी पूरी तरह से कोशिश करेंगे, हम सारे मेम्बर्स कोशिश करेंगे कि ग्राउंड लेवल पर जाकर हम उनको वो चीज़ें जो हमें सेंटर से स्कीम्स आ रही हैं उनको मिली जाए और वो उसका फ़ायदा लें। सर आपने एजुकेशन की बात की, आज की अगर दूर दराज जो स्कूल हैं उनमें बात करें गर्ल्स को लेके काफ़ी, चाहे वो टॉयलेट है कुछ भी है, वहाँ कहीं पानी की कमी है, जब किसी तरीके से उनको आज भी जो है गर्ल्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यही हमारा पूछने का था कि गर्ल्स के लिए या वुमेन के लिए आप किस तरह के स्टेप लेंगे, क्या करेंगे? जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की और हमारे माइंड में भी ये बात आपने डाली, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम चलते हैं तो कुछ चीज़ें हम नज़रअंदाज कर देते हैं या हम कुछ चीज़ों पर काम नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यही चाहा है कि जितने भी हमारे मेम्बर्स हैं वो हमारे साथ चलेंगे, जो हमारे सरपंच पंच हैं वो भी चलेंगे, क्योंकि 3-tier सिस्टम है, उनके बिना ये संभव नहीं है। हमने प्लान पॉलिसीज तो बनानी है, ऊपर बैठ के ही सब ये काम नहीं होंगे, ग्राउंड लेवल पर होंगे, इसलिए ये चुनाव कराए गए हैं। तो मैं काफ़ी जगह पर गई, जैसे कि हमारे खुद के दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ एक गढ़ जगह है वहाँ पर स्कूल्स बनाए गए उनके, खास करके उनके लिए जो है हॉस्टल लड़कियों के लिए बनाए गए, गर्ल्स के लिए बनाए गए, और काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं और दूर दराज के इलाकों में हो रही है। तो जहाँ कोई कमी पेशी है वहाँ भी हमारी कोशिश रहेगी कि ये जल्द से जल्द ये चीज़ें करवाई जाए। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो ये सेम प्रॉब्लम उसमें भी है, तो उसको किस तरह के संज्ञान लेते हैं? हाँ जी, हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो मैंने काफ़ी हमारे खुद के इलाके से काफ़ी सारी डॉक्टर्स ने बोला कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो उन्हें हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं, जितना हमसे हो बन पड़ता है हम लोग उसमें कोशिश करते हैं। बाकी भी जो मेम्बर्स हैं मैं उनसे भी बात करती रहती हूँ, वो भी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें कोई भी
कमी रहती है, हम उस पर भी काम करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा 5 साल का टेन्योर है, तो हमारी यही कोशिश है और इसीलिए हमें चुना गया है, तो हम इसको जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये थे DDC चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन जिनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि 3 टायर जो है सरकार द्वारा बना दिया गया है और हमारी जो है अब कंटिन्यू इसके ऊपर काम करने की प्रक्रिया जारी रहेगी और लोगों की प्रॉब्लमें सुनी जाएंगी और काम किए जाएंगे। हालांकि हम आपको बता दें कि अर्ली टाइम द्वारा 4 दिन पहले ही ये रिपोर्ट लगाई थी कि भाई उधमपुर से लालचंद जी को DDC चेयरमैन बनाया जाएगा, जो हमारे सोर्सेज थ्रू इन्फॉर्मेशन आई थी, और जूही जी को वाइस चेयरमैन। तो आज वही जो रिपोर्ट बिल्कुल यहाँ पे सच साबित हुई है। तो आगे आप देखते हैं किस तरह से ये DDC चेयरपर्सन ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं। कैमरामैन रोहित शर्मा के साथ अश्विनी शर्मा, अली टाइम ब्यूरो।